हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि कैसे आप लोग बहुत ही इजी तरीके से आपका जो रेफरेंस फोटो है उसके ऊपर जो लुमिस मेथड का प्रोपोर्शन लाइंस है वो ड्रॉ कर सकते हो। मतलब मेरे जो बाकी वीडियोस है उसमें तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे मैं मेरे आईपैड में रेफरेंस फोटो को लेकर उसके ऊपर जो लुमिस मेथड का प्रोपोर्शन लाइंस है वो मैंने ड्रॉ किया था। पर आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि आपके पास तो बड़ा वाला कोई पैड नहीं है तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे। सो टेंशन का कोई बात नहीं है, आज के ये वीडियो उसी टॉपिक पर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सिर्फ एक मोबाइल फोन को यूज करते हुए जो लुमिस मेथड का प्रोपोर्शन लाइंस है वो आप लोग अपने जो रेफरेंस फोटो है उसके ऊपर ड्रॉ कर पाओगे। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और अच्छे से देखना। तो बिना कोई और टेंशन लिए चलो मैं मेरा जो फोन है वो ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग सिर्फ आपका फोन इस्तेमाल करते हुए आपका जो रेफरेंस फोटो है उसके ऊपर लुमिस मेथड का प्रोपोर्शन लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सो रिसेंटली मिस्टर बीस्ट का 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हुआ है, तो चलो आज के इस वीडियो के रेफरेंस फोटो हिसाब से हम लोग मिस्टर बीस्ट का एक फोटो ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पर गैलरी ऐप पर जो फोटो है उसे ओपन कर लिया है। अब किसी भी फ़ोन के जो गैलरी ऐप है उसके अंदर नीचे ही बहुत सारे ऑप्शंस होता है, तो उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है एडिट ऑप्शन। मतलब आप लोग वहाँ से फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वही एडिट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाएगा। सो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर वहाँ पर ही एक ऑप्शन होता है जो है मार्कअप ऑप्शन। मतलब आप कुछ भी मार्क कर सकते हो फोटो के ऊपर। तो वो ऑप्शन क्लिक करने के बाद भीतर बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पेंसिल हो गया, ब्रश हो गया, ये सब, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी है वहाँ पर। सो जैसे कि लुमिस मेथड में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं सर्कल वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर पेंसिल का साइज छोटा करके फेस के ऊपर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल बनाने के बाद हम लोग उसे ऐसे छोटा बड़ा या फिर डिफरेंट एरिया में ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अब मैं परफेक्टली फेस के ऊपर जहाँ पर सर्कल होना चाहिए उस हिसाब से इसे छोटा बड़ा करके एडजस्ट करूँगा। या फिर फेस में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि फेस का एंगल किस तरफ है। यहाँ पर फेस राइट के तरफ दिख रहा है तो जो लेफ़्ट साइड है वह पूरा दिखाई दे रहा है, पर राइट जो साइड है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सर्कल है वो लेफ़्ट साइड में पूरा ही आएगा फेस के ऊपर, राइट साइड में थोड़ा बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब फेस से भी थोड़ा बाहर की तरफ चला जाएगा। और जो सर्कल का साइज़ है वो नीचे जो लिप्स का पोर्शन है लिप्स को टच करेगा, ऊपर एकदम हेड के पोर्शन में एकदम अपर पोर्शन से नीचे लिप्स के पोर्शन तक टच करेगा। तो ऐसे में जो सर्कल है उसे ऐसे यहाँ पर बैठाया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लुमिस मेथड में सर्कल के अंदर 6 टोटल डिवीजन होता है और सर्कल के बाहर एक छोटा डिवीजन होता है, तो वैसे ही आप लोगों को साइज़ को डिनोट करना है। तो ये हो जाने के बाद हमें साइड में भी एक छोटा ओवल साइज़ का सर्कल बनाना है साइड एरिया के लिए। सो उसके लिए भी प्रोसीडियर सेम ही रहेगा, थोड़ा मैंने जो कलर है वो चेंज कर लिया है। तो अब इसका पोजिशन कहाँ पर होगा? हर एक फेस का साइड का जो पोर्शन होता है वो ऐसे स्ट्रेट चला जाता है, मतलब एकदम गोल नहीं रहता है। तो जहाँ से फेस का जो कर्व है वो ऐसे स्ट्रेट चला गया है उस एरिया में हमें ये जो ओवल शेप है उसको बिठाना है। तो जहाँ से फेस का एंगल चेंज होता है साइड में वहीं पर ये जो ओवल शेप का सर्कल है वो हमें ड्रॉ करना है। अब पोजिशन तो हम लोग समझ गए, अब साइज़ क्या होगा? ओवल का ऊपरी हिस्सा हमारा जो फोरहेड का पोर्शन है, मतलब जिसके ऊपर से बालों का एरिया शुरू हुआ है उतने दूर तक होगा, और नीचे हमारा जो नाक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उतने दूर तक होगा। सो यही है ओवल शेप का साइज़। तो इसको देखते हुए हम लोगों को इस शेप को ऐसे लेफ़्ट साइड में बिठाना है इस रेफरेंस फ़ोटो के लिए। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझ के शेप कैसा होना चाहिए वो धीरे धीरे अच्छे से समझ के बिठा लो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फोटो में थोड़ा वैरी करेगा, पर शेप वैसे ही रहेगा कि फोरहेड तक जाएगा और नीचे नोज तक जाएगा। तो ऐसे मैं इसे एडजस्ट करके बिठा दे रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद हमें जो पैरेलल लाइंस है फेस के ऊपर वो भी खींचना है, और मिडिल का जो वर्टिकल लाइन है वो भी खींचना है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। सर्कल के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइन है, मेन हॉरिजेंटल लाइन है, वो फेस को दो हिस्से में डिवाइड करता है। तो वो एरिया है आईब्रोज का लाइन। तो यहाँ पर आईब्रोज के ऊपर से हम लोग ऐसे कर्व लाइन देंगे, क्योंकि फेस थोड़ा एंगल में दिख रहा है तो ये थोड़ा कर्व होगा। अगर स्ट्रेट फेस होगा तो इसमें स्ट्रेट लाइन देने से ही हो जाएगा। तो ऐसे आईब्रोज के ऊपर से जो लाइन होगा वो पूरा सर्कल को देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है।
सो हम लोग ओवल जो शेप है साइड का उसमें भी ऐसे एक प्लस का साइन बना लेंगे। तो ऐसे जो सर्कल है वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया। सो अब हमें क्या करना है, फेस के अंदर जो मेन वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप लोग कलर चेंज कर ले सकते हो, वही जो पेंसिल वाला ऑप्शन है उससे हम लोग एक कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे फेस के ऊपर। ये कर्व लाइन किस किस एरिया को टच होगा वो अच्छे से समझ लो। दो जो आईब्रोज है उसके मिडिल से टच होगा, नोज का जो एकदम मिडिल पोर्शन है उसको टच होगा, लिप्स का जो मिडिल पोर्शन है उसको टच होगा, और नीचे जो चिन का पोर्शन है चिन में भी एकदम मिडिल का जो एरिया है उसे टच होगा। तो देखो एकदम पैरेलली वन लाइन में है आईब्रोज के मिडिल का एरिया, फोरहेड का मिडिल का एरिया, जो लिप्स है उसका मिडिल का एरिया। तो ऐसे ही जो ये कर्व लाइन है इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इसे बहुत ही अच्छे से केयरफुली करना है। ये हो जाने के बाद हम लोग जो फोरहेड लाइन है और जो नोज़ लाइन है वो ऐसे कर लेंगे। सेम वैसे ही पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो मिडिल का हॉरिजॉन्टल लाइन था उसके साथ पैरेलल ही होगा, थोड़ा कर्व होगा क्योंकि फेस ऐसे थोड़ा एंगल में है तो थोड़ा कर्व कर्व लाइन होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लो। कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो नीचे जो बैक वाला ऑप्शन है उसे बैक करके अंडू करके ठीक से कर लो, क्योंकि ये जो लाइन्स है इसे आप लोगों को एकदम अच्छे से करना है। इस लाइन को देखते हुए बाद में जो लूमिस मेथड है उसे फॉलो करते हुए जो ड्राइंग है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर ऐसे मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो ये दो लाइन तो हो गया, अब बाकी चिन के पोर्शन में आप लोग एक लाइन दे देख सकते हो, और जो एकदम राइट पोर्शन है उसमें भी ऐसे एक कर्व वर्टिकल लाइन दे सकते हो। तो ये सब दे लेने के बाद लूमिस मेथड का जो प्रोपोर्शन लाइन्स है वो आप लोग फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से रेफरेंस फोटो के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। सो अब इसे सेव कर लो और आपका जो रेफरेंस फोटो है वो ड्राइंग के लिए एकदम रेडी है। सो हर एक फ़ोन में ऐसे फ़ोटो व गैलरी ऐप तो होता ही है, और उसके अंदर एडिट वाला ऑप्शन तो होता ही है, तो आप लोग वहाँ से ऐसे सिंपली कर सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों के फ़ोन में ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। आप लोग पिक्सार्ट नाम का जो एक ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर पे आप लोगों को ईजी नहीं मिल जाएगा, तो पिक्सार्ट ऐप को इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर भी सेम ऐसे ही आप लोग एडिट कर पाओगे। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग पिक्सार्ट में भी ये काम कर सकते हो। सो पिक्सार्ट के नीचे टूल बार में ऐसे एक ड्रॉ नाम का ऑप्शन आता है, तो ड्रॉ के अंदर आप लोग को सेम वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल जाएगा, पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको साइज़ को ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप लोग सेम उसी तरीके से कर सकते हो, पर आप लोग को ड्रॉ करने का जो प्रोसीडियर है और ठीक जो लूमिस मेथड का नियम है वो अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। फेस को कैसे डिविजन किया जाता है, फेस में टोटल जो 7 मार्किंग्स है वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। तो ये अगर आप लोग अच्छे से जानते हो तो आप लोग रेफरेंस फोटो के ऊपर भी अच्छे से ऐसे मार्किंग कर सकते हो। तो लूमिस मेथड के ऊपर अगर अच्छे से आप लोग और जानना चाहते हो तो मेरा जो लूमिस मेथड वाला स्पेशल वीडियोस है वो आप लोग देख सकते हो, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 करके दे दूंगा। तो वो लूमिस मेथड जो स्पेशल वीडियोज़ है वो अच्छे से देख लो, तो आप लोगों को जो लूमिस मेथड का बेसिक्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग खुद से ऐसे फोटो के ऊपर मार्किंग कर पाओगे। सो इस वीडियो में मैं डेडिकेटेडली आप लोगों को ये दिखा है कि कैसे आप लोग रेफरेंस फोटो के ऊपर डिजिटली ऐसे प्रोपोर्शन लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो यही वाला पोर्ट्रेट मैं फिर से पेपर में ड्रॉ करूँ इस रेफरेंस फोटो को देखते हुए, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर बीस्ट का इसी वाले पोर्ट्रेट का ड्राइंग ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगा। सो आई होप आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप लोगों का जितना भी आर्टिस्ट फ्रेंड्स है जिसको लूमिस मेथड सीखना है उसके साथ ज़रूर इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करने से ही अपना जो आर्ट कम्युनिटी है वो ग्रो होगा, और उसके साथ साथ मेरा चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। प्लीज़।